पत् खेत अक्सर बद का करान दरबार औरच औरच दलील तुलान पत् ओनमस रात वज काका मे यार दोस्त सो फोन करान एस एम एस करान दपान काकश खुदायन इलम दितमुत नॉलेज दिस कुन कथ ना गेय कह मसल हल गाक नसीहत सलो शुक्र खुदायस कुन पर काका मे वन तक पेमुत जिंदगी मे युत कह मसला यम चुक परेशान कोर्मुत दोपन बिल्कुल बहुत खत्म एक मसलन कोर्मुत दोपन यूतः मोन अंदाज इसराइल आयरन ड्रोन सिस्टम यह सह फेल अतस क्या मसलन दोपन अगर जन ना मालिन या शॉपिंग करने या तज हतस या ने मुबारकस दोपन गाड़ हूं खर्च दी खानदार शॉपिंग खर्च दी खानदार मेव मिठाई आसनी ती खानदार तमिक पोस सोरे खर्च अगर खानदार कर जन क्या तेल बैग तुला सत मे क्या सर्विस स्कैम अभी चर्चे में है, अभी हेडलाइंस में है। आखिर ये स्कैम था क्या? आखिर क्या इस वजह से सिर्फ लोगों को नुकसान हुआ है? नहीं, अब ये स्टोरी हम दो तरफा करेंगे। एक तरफ से इल्जाम लगा रहे लोग कि हम वो वेबसाइट चलाते थे, एप्लीकेशन पे उन्हें सर्वे का जवाब देना पड़ता था और उसके बाद उनको पैसा मिलता था। लेकिन उसके बाद उनका इल्जाम है कि उनको पैसे नहीं मिले और करोड़ों का रुपए जो है उनका नुकसान हुआ और उनको वो करोड़ों रुपए नहीं मिले, यानी उनको जो है उनके साथ धोखा किया गया, फ्रॉड किया गया। इस टाइम जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ये वो नहीं है जो उस वेबसाइट के लिए जो है उस वेबसाइट के जरिए कमाते थे, बल्कि ये वो लोग हैं जो उस क्यूरेटिव सर्वे के एम्प्लॉइज है। अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि ये स्कैम सिर्फ आम लोगों के साथ नहीं हुआ है। ये स्कैम जो है मुबैना तौर पर यहाँ पर मौजूद जो एम्प्लॉइज हमारे साथ है उनके साथ भी हुआ है। आप सब जानते हैं इस वक्त इन्फ्लुएंसर्स को भी टारगेट किया जा रहा है कि उन्होंने प्रमोशन किया, उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया इसका, जिसकी वजह से लोगों में एक इंप्रेशन पड़ा कि शायद ये कंपनी जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि उसमें इन्फ्लुएंसर्स ने यह भी कहा 100% ट्रस्टेड है, 100% गारंटी है, क्रेडिबल है। तो ऐसे में लोगों का जो है ऐसे इन्होंने भरोसा जीता। लेकिन यहाँ पर इनके एम्प्लॉइज का क्या कुछ कहना है वो जानना भी जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि तमाम लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि शायद इसमें ये एम्प्लॉइज भी मुलवस है। यहाँ पर हमारे साथ इनके हेड मौजूद है। तो क्या सोचे हो ना? नहीं नहीं आज बनता है फिर वास। के लोग चांद पर भी पहुंच गए, लेकिन किसी रॉकेट के जरिए नहीं बल्कि चांद को अपना बनाने। जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं बारामूला से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे डॉक्टर की जो कि जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे शख्स बन गए हैं जिन्होंने जो है चांद पर जमीन खरीदी। जी हाँ, ये अनबिलीवेबल बात पहले अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में ऐसी चीजें देखने को मिलती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोग भी चांद पर पहुंच गए, वो भी चांद को अपना बनाने। हेलो जानू। हाँ, वो घर वालों ने नहीं माना, तुम रेडी रहो, बाहर निकलो, हम भाग के शादी करेंगे। जानू मैं तो लंगड़ी हूँ।